आज हम बात करने वाले हैं मलेशिया 2 मूवी की, जो 1991 में रिलीज हुई थी और IMDb पे इसकी रेटिंग है 5.5 out of 10। ये एक ड्रामा मूवी है। इसका फर्स्ट पार्ट पहले ही अपलोड कर चुका हूँ मैं। मूवी में एक टीनेज लड़का अपने भाई की वाइफ की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है और साथ ही मूवी में अलग अलग ट्विस्ट आने लगते हैं, जिससे भाई की वाइफ को भी पता चल जाता है। इसी प्लॉट पर पूरी मूवी बनाई गई है। सो अब चलते हैं मूवी की तरफ, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। क्रिस्टियानो की वाइफ लीला को पेट बहुत पसंद है, पर क्रिस्टियानो को पेट बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि वो हर रोज उसके सूज में टॉयलेट कर लेता है। तभी वहाँ पर क्रिस्टियानो का बड़ा बेटा रेंचो और उसकी वाइफ लौरा घर आते हैं। रेंचो का छोटा भाई भी है, जिसका नाम सैंड्रियो है, मतलब सैंड्रो लौरा की भाभी है। रेंचो जब सैंड्रो का रूम देखता है तो उसको वहाँ पर एडल्ट मैगजीन और सिगरेट मिलती है, और तभी सैंड्रो रूम में आ जाता है और रेंचो उसे डांट लगाता है। दूसरे दिन रेंचो लौरा को एक वीक के लिए छोड़ के बाहर जाता है और सैंड्रो को लौरा का ध्यान रखने को बोलता है। दूसरे दिन सैंड्रो लौरा को बीच पे लेकर जाता है और हम देखते हैं कि वहाँ सब लड़के लौरा पर लाइन मारते हैं। तभी सैंड्रो के दो दोस्त वहाँ आ जाते हैं और वो उससे पूछते हैं कि ये तुम्हें कहाँ मिली। तब सैंड्रो बोलता है कि ये मेरी सिस्टर है। सैंड्रो और उसके दोस्तों के लिए दूसरों को परेशान करना आम बात है। नाइट में सैंड्रो अपने फादर से कुछ पैसे मांगता है, क्योंकि उसे उसके दोस्तों के साथ बाहर जाना होता है। तब उसके फादर पूछते हैं कि अभी क्यों चाहिए, पूरा दिन क्या करते हो। तब सैंड्रो बताता है कि वो दिन में 3 टाइम लौरा का बॉडीगार्ड बनके उसके आगे पीछे घूमता है, और ये बात लौरा सुन लेती है। दूसरे दिन सैंड्रो लौरा को बीच पर लेकर जाता है। तभी वहाँ पर उसके दोस्त उसे बुलाने आ जाते हैं, पर वो मना कर देता है। तब लौरा उसे कहती है कि तुम्हें पूरा दिन मेरा बॉडीगार्ड बनके घूमने की जरूरत नहीं है, तुम अपने दोस्तों के साथ जाओ। तब सैंड्रो उठ के अपने दोस्तों के साथ चला जाता है। अब मॉर्निंग में लौरा का हस्बैंड रेंचो वापस आ जाता है और सैंड्रो नाइट को दोस्तों के साथ मजे करने निकल जाता है। तभी वो लोग सैंड्रो के घर के सामने आकर रुक जाते हैं और देखते हैं कि लौरा और रेंचो क्लोज हो रहे हैं। तो सैंड्रो अपने दोस्तों को वहाँ से जाने को बोलता है कि ये मेरी सिस्टर है, पर दोस्त कहता है कि सिस्टर तेरी है, हमारी नहीं। नेक्स्ट डे फिर से रेंचो लौरा को छोड़ के चला जाता है। लौरा और सैंड्रो दोनों खुश रहते हैं। एक दिन लौरा अपनी एक ड्रेस सैंड्रो को ट्राई करने के लिए देती है और वो उसे पहनता है और मिरर में देखने लगता है। तभी सैंड्रो के फादर वहाँ आ जाते हैं और उसे इस ड्रेस में देखकर सोच में पड़ जाते हैं और सोचते हैं कि उसका बेटा गे है। सैंड्रो लौरा को चुप चुप कर देखने की कोशिश करता रहता है, जब वो साथ हो या ना हो। अब सैंड्रो को रात में नींद भी नहीं आती, वो लौरा के रूम में चुपके से देखने की कोशिश करता है। तब तक रेंचो भी लौट आता है। लौरा और रेंचो इंटीमेट होते हैं। तब सैंड्रो उनके रूम में स्टेटोस्कोप से दोनों की सेक्स ड्यूरेशन की आवाज सुनता है। नेक्स्ट डे अगेन रेंचो लौरा को छोड़ के एक वीक के लिए चला जाता है। रेंचो के चले जाने के बाद लौरा और सैंड्रो खुश होते हैं। लौरा जब चेंज कर रही होती है तब सैंड्रो उसके क्लोज होने की कोशिश करता है, पर लौरा उसे थप्पड़ मारती है और पूछती है कि ये करने की परमिशन तुम्हें किसने दी। तब सैंड्रो बोलता है कि योर हस्बैंड। सैंड्रो कहता है कि मैंने सब कुछ सुन लिया है। तब लौरा कहती है कि तुम हमारी जासूसी करते हो। सैंड्रो कहता है कि मैं बेहरा नहीं हूँ, और वहाँ से चला जाता है और बाहर जाकर अपनी एक फ्रेंड से जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। रात को लौरा सैंड्रो को बात करने के लिए अपने रूम में बुलाती है और वो कहती है कि मैं अपसेस हूँ, जब से तुमने कहा है कि तुमने हमारी सारी बातें सुन ली है। और सैंड्रो बोलता है कि मैं कुछ नहीं कह सकता। सैंड्रो के पास रेंचो का कॉल आता है और कहता है कि लौरा को बोल देना कि आज रात मैं घर नहीं आऊँगा। ये बात सुनकर लौरा अपसेट हो जाती है और कहती है कि ये ड्रेस उसने उसके लिए पहनी थी। तभी सैंड्रो लौरा को पार्टी में चलने को कहता है। ये सुनकर लौरा खुश हो जाती है, पर मना कर देती है कि वो अच्छी नहीं लगेगी पार्टी में, क्योंकि वो तुम सबसे बड़ी है। पर फिर वो रेडी हो जाती है और वहाँ दूसरी तरफ रेंचो फियांसी नाम की लड़के के साथ मजे कर रहा था। अब सैंड्रो लौरा को पार्टी में लेकर जाता है, वहाँ सब उसे लाइन मार रहे होते। ये देखकर सैंड्रो को काफी जलन होती है और वो नोटिस करता है कि लौरा ने ब्रा भी नहीं पहनी है। इवन वो इतना बिजी हो जाता है कि वहाँ पर उसकी फ्रेंड लौरी मिलने आती है, उस पर भी वो ध्यान नहीं देता और एक जगह बैठकर स्मोकिंग करने लगता है। और तभी वो दो लड़कों को बात करते हुए सुनता है कि वो लौरा के साथ डांस करते हुए उसे यहाँ वहाँ चूएंगे। ये बात सुनकर सैंड्रो लौरा को वहाँ से लेकर चलने लगता है और रास्ते में वो गुस्सा करता है कि हर कोई तुम्हें टच करना चाहता था एज ए कॉल गर्ल। तो लौरा कहती है कि क्या तुम जेलस फील करते हो, और वो सैंड्रो को किस करके वहाँ से चली जाती है। सैंड्रो रेंचो को कॉल करके बताने की कोशिश करता है कि लौरा ने उसे किस किया, पर वो आधी नींद में और नशे के कारण कुछ समझ नहीं पाता। नेक्स्ट डे सैंड्रो लौरा को फिर से बीच पे जाने को बोलता है, पर वो मना कर देती है क्योंकि उसे सोना होता है। सैंड्रो अकेला बीच पर चला जाता है। वहाँ वो लौरी से मिलता है। लौरी सैंड्रा से बात करना चाहती है, पर वो लौरा को लेकर काफी डिस्टर्ब होता है। यहाँ घर पे रेंचो सैंड्रो के रूम में सिगरेट ढूंढने लगता है। तब लौरा भी उसकी मदद करती है। तब उसे पता चलता है कि उसके रूम से अपने रूम में कोई भी आवाज सुनाई नहीं देती। नेक्स्ट डे रेंचो सैंड्रो और लौरा क्लब जाते हैं। वहाँ पर लौरा और सैंड्रो बोर हो रहे होते हैं। फिर लौरा और सैंड्रो साथ में डांस करते हैं। तब लौरा उससे पूछती है कि क्या सच में तुमने सुनी थी हमारी आवाज, क्योंकि आज मैंने सुना कि तुम्हारे रूम से हमारे रूम की कोई भी आवाज सुनाई नहीं देती। तब सैंड्रो लौरा को टच करता है और लौरा वहां से चली जाती है। नेक्स्ट डे वापस रेंचो बाहर चला जाता है। लौरा और सैंड्रो बीच पर जाते हैं। तभी सैंड्रो लौरा को स्विमिंग करने को कहता है, पर वो मना कर देती है।
गुस्से में सेंड्रा लॉरी के पास जाता है और उसे स्विम करने को कहता है और ये देखकर लॉरा को जेलस फील होती है। नाइट को लॉरा, सेंड्रा और लॉरी मूवी देखने जाते हैं। मूवी देख के आने के बाद लॉरा कपड़े रिमूव करके बेड पे सो जाती है। तभी सेंड्रा उसके रूम के डोर के पास आता है पर वो बिना कुछ किए और कहे वहां से चला जाता है। लॉरा रेंचो को घर आने को बोलती है पर वो मना कर देता है क्योंकि वो दूसरी औरत के साथ बिजी था। नेक्स्ट डे लॉरा सेंड्रा के रूम में जाती है और देखती है कि वो कोई बुक पढ़ रहा है, पर वो लॉरा को देखते ही बुक को छुपा देता है। लॉरा वो बुक देखने के लिए उससे छीनने लगती है। तब सेंड्रा उसे सेड्यूस करने की कोशिश करता है और लॉरा वहां से खड़ी हो जाती है और बोलती है कि ये बुक वो उसके फादर को दिखाएगी। सेंड्रा लॉरा से पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो। लॉरा कहती है कि तुम नहीं समझोगे। सेंड्रा कहता है कि रेंचो सही कहता है, तुम एक वेश्या हो, और वो उसके सामने आ जाता है और लॉरा उसे कहती है कि हटो और उसे स्लैप कर देती है। अब रेंचो भी घर आ जाता है। तभी सेंड्रा लॉरा को जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। पहले तो लॉरा खुद को दूर करने की कोशिश करती है पर फिर वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती। तभी रेंचो अंदर आता है और लॉरा वॉशरूम में नहाने चली जाती है और कहती है कि उसे शॉवर की आवाज में कुछ सुनाई नहीं दिया। नाइट में लॉरा और रेंचो के इंटीमेट होने की आवाज सुनकर वो चुपके से उन्हें देखने की कोशिश करता है और लॉरा उसे देख लेती है। वो उसे सॉरी कहती है। सेंड्रा गुस्सा होकर वहां से चला जाता है बीच पर और सुसाइड करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जब सबको पता चलता है कि सेंड्रा उसके रूम में नहीं है तो लॉरा पुलिस की मदद लेने को बोलती है पर रेंचो मना कर देता है। वो कहता है कि एक वुमन है जिससे वो प्यार करता है पर उसे पता नहीं होता कि वो औरत है कौन। अब सब लोग उसे ढूंढने लगते हैं। वहीं लॉरा उसे ढूंढते हुए बीच पर पहुंच जाती है। वहां लीनो से पूछती है कि क्या उसने सेंड्रा को देखा है तो वो कहता है कि वो केबिन में सो रहा है। लॉरा केबिन की चाबी लेकर केबिन तक पहुंच जाती है और वहां सेंड्रा को देखकर उसे किस करने लगती है और दोनों इंटीमेट होते हैं। तभी रेंचो और उसकी पूरी फैमिली वहां पहुंच जाती है। वो सब केबिन के पास पहुंच जाते हैं और लॉरा को गेट खोलने को बोलते हैं। तब लॉरा बोलती है कि सब कुछ ठीक है और मैं उसे घर लेकर आ जाऊंगी और फैमिली वाले वहां से निकल जाते हैं। तब लॉरा सेंड्रा को सब सच्चाई बता देने को बोलती है पर वो मना कर देता है। सेंड्रा घर जाकर अपनी मॉम से मिलता है और घर पर सब लोग सेलिब्रेशन करते हैं और सभी लोग वहां पर खुश नजर आ रहे थे और इसी खुशी के साथ मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और भी कुछ बताना हो तो आप कमेंट कर सकते हो। इसका फर्स्ट पार्ट भी चैनल पर अपलोड हो रखा है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप अगर इसका फर्स्ट पार्ट देखना चाहते हो तो ऊपर वाले वीडियो पे क्लिक करें और दूसरी कोई मूवी देखना चाहते हो तो नीचे वाले वीडियो पे क्लिक करें।